टाइटल तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि अगर एसएससी जेईई 2023 आप लिखने की तैयारी कर रहे हो तो बेटा अगर आपका प्री क्वालिफाइड हो गया फिर भी आप जेईई नहीं बन पाओगे। तो इसमें मैं ऐसा क्या बताने वाला हूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्री का और मेन का सिलेबस आपको पता लग ही गया होगा। अब जब आप प्री लिखने वाले हो, अब अक्टूबर के अंदर आप इसका प्री लिखने वाले हो, तो वहां पे आपको पता है प्री आपका जैसे तैसे करके आप किसी भी चीज से आपका प्री क्वालिफाइड भी हो जाता है। मान लो आपने किसी वन शॉट रिवीजन से आपने तैयारी की और आपका नॉन टेक पार्ट अच्छा है और आपका रीजनिंग पार्ट अच्छा है, तो आप नॉन टेक और रीजनिंग पार्ट के थ्रू भी आप थोड़ा सा अगर टेक्निकल ठीक है तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे। लेकिन आपको पता है कि आपका एसएससी जेईई एक स्टेज का एग्जाम नहीं है, आपका दो स्टेज का एग्जाम है। आप प्री में कैसे भी क्वालिफाइड होगे लेकिन मेन में आप क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेन आपको रिटर्न में करना है और रिटर्न में आपको टेक्निकल लिखना है। अगर टेक्निकल आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आपको हर चीज डेप्थ में अच्छा नॉलेज है, तो आप टेक्निकल के मेन को अच्छे से लिख पाओगे, नहीं तो आप बेटा मेन से बाहर निकाल दिए जाओगे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि एसएससी जेईई का जो एग्जाम्स है वो बाकी के जेईई से अलग है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको जेईई की प्रिपरेशन कराते हैं, जेईई की कराते हैं मेरे भाई, एसएससी जेईई की नहीं कराते। क्योंकि एसएससी जेईई का पैटर्न सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के डायरेक्टली पुटअप किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वापस रिपीटेड होते हैं, और किस तरीके से रिपीट होते हैं वो सारी चीजें हम यहां पे भी बताते हैं। हमारे बैचेस के अंदर हर चीज के अंदर हमने बताया है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितने परसेंट आपके रिपीट होते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो बेटा अगर आप एसएससी जेईई लिखना चाहते हो तो किसी वन शॉट की चीजों में ना फंसिएगा, क्योंकि वन शॉट से आप बाहर जाने वाले हो, क्योंकि आपका दो स्टेज का आपका एग्जाम है। टेक्निकल आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, टेक्निकल में आपको डेप्थ तक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें करना है और आपको इन गलतियों को सुधारना है तो मेरे दोस्तों आज ही आपको टारगेट बेस से आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देना है। मेरे भाइयों मैं इतना वादा करता हूं कि आपका जो टेक्निकल है यूट्यूब में किसी भी प्लेटफॉर्म ने इतना अच्छा नहीं कराया होगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके टारगेट बैच में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप आज ही पार्ट बन सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं है, अगर आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है, आप एक बार यूट्यूब पे हमारे सेशंस देख सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मास्टर प्लस एजुकेशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा और वहां पे हमने कुछ वीडियो पब्लिक कर रखे हैं, उनको देखिएगा कि किस डेप्थ तक आपकी चीजें करवाई जाती है, और वो डेप्थ बहुत जरूरी होता है एसएससी जेईई को क्वालिफाइड करने के लिए। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप इसके रिगार्डिंग मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। चलेगा, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। ऐसे ही आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। चलेगा, थैंक यू।